अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह अनकबूत की इब्तिदा यूं की है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम, अहसिबन्नासु अन यतरकु अन यकूलु आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। क्या लोग ये समझते हैं कि वो सिर्फ आमन्ना यानी हम ईमान लाए कह दें और उन्हें आजमाइश में मुब्तला नहीं किया जाएगा? सूरह बकरा में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसी तरह की एक और आयत में फरमाया, अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्ना वलम्मा यातिकुम मसलुल लदीना खलौ मिन कब्लिकुम मस्सतहुमुल बासा वद्दर्रा वज़ुलज़िलु हत्ता यकूलर रसूल वल्लदीना आमनु मअहु मता नसरुल्लाह मता नसरुल्लाह मता नसरुल्लाह अला इन नसरुल्लाह करीब। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह बकरा की ये आयत में फरमाया, क्या तुम ये समझते हो कि जन्नत में यूं ही दाखिल हो जाओगे हालांकि तुम्हारे पास पिछले लोगों की मिसालें वाज़े तौर पर आई हैं। मस्सतहुमुल बासाउ वद्दर्रा, उन्हें तकलीफें आई, कहत साली आई, जानी जिस्मानी तकलीफें उन्हें दी गई, हर किस्म की दुश्मनी का उन्हें सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, वज़ुलज़िलु हिला दिए गए, हिला दिए गए, हत्ता यकूल रसूल वल्लदीना आमनू मअ, हत्ता के रसूल खुद, पैगंबर खुद और उनके मानने वाले कहने लगे मता नसरुल्लाह, अल्लाह की मदद कब आएगी, अल्लाह की मदद कब आएगी, अल्लाह की मदद कब आएगी, अला इन नसरुल्लाह करीब, अल्लाह की मदद जरूर आएगी और बहुत जल्द आएगी। मोहतरम सामईन, कुरान मजीद में अल्लाह ने आजमाइश वाली बातें बेशुमार जगह पर कहा है। बाज़ जगह अल्लाह ने आजमाइश को मौत के साथ मिलाया, कुल्लु नफ्सिन दाइक़तुल मौत व नब्लूकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना व इलैना तुरजऊन, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है और हमें तुम्हें शर और खैर दोनों की आजमाइश में मुब्तला करते हैं। इंसान को जब मौत आती है उससे बढ़कर कोई आजमाइश नहीं, उसका पता मुझे और आपको क्या है। बस इतना हम जानते हैं कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौत के सकरात से पनाह मांगी, पनाह मांगी। मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आपकी रूह कब्ज होने लगी, आप सल्लम परेशान थे, बुखार में तप रहे थे, एक सहन में पानी रखा था कभी अपने चेहरे पर मलते तो कभी, आपकी दुख्तरे नेक अख्तर फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से देखा नहीं गया, बेटी का कलीजा फट पड़ा ये बात देख करके, अपने बाप को तकलीफ में देखकर कहने लगी, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको भी ये तकलीफ है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो बातें कही, दो बातें उनसे कही जिससे एक बात पर वो खुश हो गई। उनमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरे बाद तुम जल्द मुझे आ मिलोगी। क्या बात कही? मेरे बाद तुम जल्द मुझे आ मिलोगी। अगर आज को ये कह दे किसी से कि तुम जल्द मर जाओगी, जल्द तुम आ जाओगी, जल्द तुम्हारा इंतकाल हो जाएगा, वावेला खड़ा कर देगी, मुसीबत। क्योंकि हमें अल्लाह से मुलाकात की ख्वाहिश नहीं है, नहीं है हमें ख्वाहिश अल्लाह से मुलाकात की। हम अपने गुनाहों तले दबे हुए हैं, डरते हैं कि कब मौत आ जाए और हम गुनाह में फंस जाए। लेकिन फातिमा रजी अल्लाह तआला ने उस बात से खुश हो गई कि मुझे अल्लाह से मुलाकात करनी है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर मिलना है। इस हदीस से मैं ये बताना ये चाहता हूं कि देखें, जो हालात मुल्क के हैं, गुनाहगो हालात जो भी आप देख रहे हैं, इसको देखकर वावेला मचाने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है।
जब से आजादी हुई है उससे लेकर आज तक मुल्क के हालात ऊंच नीच होते रहे हैं। मैं आपको बता दूं, एक महीना पहले एक बुजुर्ग से मेरे मुलाकात हुई जिनकी उम्र 90 साल से कुछ ज्यादा है, 92-93 साल है। उन्होंने कहा कि मेरे वालिद मोहतरम फजर की नमाज और इशा की नमाज के लिए जब मुझे भेजते थे तो कहते कि बेटा अगर गैर मुस्लिमों से खतरा लाहिक हो इस अंधेरे में तो फलां जगह मुसलमान का घर है, फलां जगह का मुसलमान का घर है, वहां तुम चले जाना। 50-60 साल पहले की बात। आज आप तो स्ट्रीट लाइट लगे हुए हैं, रास्ते सारे चमक रहे हैं, मस्जिदें चमक रही हैं। चराग होते थे मस्जिदों में, चराग होते थे, जिस दिन तेल खत्म हो जाता चराग बुझ जाता। मस्जिदों में चराग जलने से पहले मस्जिद में मुसल्ली आया करते थे, आज मस्जिद की चारों तरफ लाइटें जलती हैं लेकिन मुसल्ली फजर की नमाज में हाजिर नहीं होते, नहीं आते मुसल्ली फजर की नमाज में। जुमा में मस्जिद पूरी भर जाती है, मुतल्ली साहब ने मुझे बताया, बड़ी खुशी हुई। कभी फजर में भी भर जाती है, फजर में भी कभी भर जाती है, कहेंगे मुझे हां रमजान के शुरू के 2 दिन भर जाती है, रमजान के शुरू 2 दिन भर जाती है और रमजान के 3रे-4थे दिन आप जहां चाहे नमाज पढ़ सकते हैं। यानी ये उबलते हुए कीड़े कुछ दिनों के लिए बन जाते हैं नमाजी। बताने का मकसद ये है कि हमेशा से इंसान के लिए आजमाइश है। इंसान किसी भी मरहले में खुश नहीं है, शादी से पहले भी खुश नहीं, शादी के बाद भी खुश नहीं। बच्चा है तो खुश नहीं, बड़ा हो जाए तो खुश नहीं है, जवान हो तो खुश नहीं है, बुजुर्ग हो जाए तो खुश नहीं है। डॉक्टर बेचैन है, बीमार बेचैन है, मालदार बेचैन है, गरीब बेचैन है, हर शख्स बेचैन है। लेकिन आप पे वैसी आजमाइश नहीं आई जैसे कि पिछले वालों पर आजमाइश आई। पढ़िए सूरह माईदा की आयतें, पढ़िए सूरह माईदा की आयतें। पिछले लोगों ने मोमिनों को इतना आजमाया कि नबियों को आरे से चीर दिया, नबियों को आरे से चीर दिया। मेरे प्यारे भाइयों, मुसलमान हो अगर आजमाइश जरूर आएगी, मुसलमान हो अगर आजमाइश आएगी, अगर आजमाइश ना आई तो तुम अपने इस्लाम पे गौर करना, क्योंकि मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है अशद्दुन्नास बलाअन, सबसे ज्यादा आजमाइश नबियों को मिलती है, उसके बाद जो जितना ईमान वाला होता है उसे उतनी आजमाइश मिलती है। लेकिन आजमाइश पर खरा उतरने वाला यही मोमिन ठहरता है। हत्ता के कयामत से पहले भी आजमाइशें आएंगी, आसमान से धुआं निकलेगा, चारों तरफ भर जाएगा, मोमिन को तकलीफ ना होगी, मोमिन को तकलीफ ना होगी। एक तरफ से निकलेगा तो दूसरी तरफ से दाखिल होगा, तो एक तरफ से निकल जाएगा, लेकिन काफिर घुटन सी महसूस करने लगेगा। आजमाइश हर लम्हे में है, हर लम्हे में आजमाइश है, लेकिन वो आजमाइशें नहीं आई जो पहले लोगों को आई थी। क्या इतना काफी नहीं है कि नबियों में मेरे रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक आजमाइश जिक्र करूं। मैं मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 7 बच्चे थे, 4 लड़कियां 3 लड़के, 7 बच्चे थे, 4 लड़कियां 3 लड़के, जिनमें से 6 आपकी जिंदगी में वफात पा गए आपकी आंखों के सामने, जिनमें से 6 आपके सामने वफात पा गए। एक कहते फातिमा रदी अल्लाह तआला अन्हा, वो भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम मेरे बाद फौरन मुझसे आकर मिलने वाली हो। जिस शख्स के सारे बच्चे उसकी आंखों के सामने चले जाएं, क्या इससे बढ़कर कोई आजमाइश है? कहते हो मॉब लिंचिंग हो रही है, लिंचिंग हो रही है, कहीं पैर काटा जा रहा है, कहीं उंगली काटी जा रही है। मैं आपसे पूछता हूं, आप मुसलमान हैं, भरोसा है अल्लाह की जात पर? भरोसा है नहीं है?
नहीं है भरोसा आपको अल्लाह की जात पर, क्योंकि अल्लाह ने कहा अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ही सरबुलंद रहोगे अगर ईमान के ईमान का सरताज अपने ऊपर रखोगे, ईमान अगर तुम्हारे पास है तो सरबुलंद होगे। होता अक्सर यह है, देखें भाई जो हो रहा है माहौल, जो सुनते हैं आप, जो सुनते हैं इस बारे में मैं बात करूंगा, लेकिन जो माहौल आप देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, आप ये याद रखिए कि हर वक्त जब भी आपके सामने मुश्किल आती है, कहीं ये होता है कि आप जवाब सही से नहीं देते, या सामने वाले के मुकाबले में आपकी जबान गलत चल जाती है, या आप बुजदिल ठहरते हैं, या उसका जवाब सही से नहीं देते, या उसको खुद ललकारते हैं, या कुछ ऐसा होता है जिससे तसादुम हो जाता है। ऐसा क्यों नहीं होता कि हम मुसलमान अपने पड़ोसियों से, अपने गैर इस्लामी भाइयों से वो रिश्तेदारी जोड़ें जो एक पड़ोसी की रिश्तेदारी होती है, एक हमसर की रिश्तेदारी होती है, यानी अपनी ईदों में हम उनके यहां तोहफे तहाई भेजें, अपनी ईदों में तोहफे तहाई भेजें। मैं एक बात बताऊं, सुबह हम निकलते हैं फजर पढ़ के, पड़ोसी हमारा ड्यूटी के लिए निकलता है, कभी कोई भाई उससे गुड मॉर्निंग कहता है इज्जत चली जाती है उसके अगर कह दे तो। हम अपने इस्लाम का किरदार कब पेश करेंगे, हम अपनी पहचान किरदार से कब बनाएंगे, जबकि हम सालों गुजर जाते हैं, 20 साल 25 साल गुजर जाते हैं, लेकिन इस्लाम का किरदार कभी हम अपने पड़ोसी के सामने नहीं रखते। जो हालात बने हैं, जरूरी है कि कहीं ना कहीं कोताही हमारी जानिब से भी है, उन कोताहियों पे गौर करें। जरूरत इस बात की नहीं है कि वावेला मचाएं, रोड पर आए, या फिर कोर्ट में जाकर वफादारी की भीख मांगे, या इन सियासत की वफादारियों पे उम्मीद रखें, या कुछ और करें। जरूरत इस बात की है कि अपने आप को बदलें, अपने किरदार को पहचानें, अपने इस्लाम को रोशनास करवाएं, अपने अंदर इस्लामी जिंदगी पैदा करें और अपने आप को बदलने की कोशिश करें। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौम हत्ता युगय्यिरु मा बिअन्फुसिहिम, अल्लाह जब तक तुम अपनी हालत नहीं बदलोगे अल्लाह तुम्हारी हालत नहीं बदलेगा। जरूरी है कि अपने आप को बदलो अपने आप को, आओ मस्जिदों में ललकारो, पुकारो अल्लाह को, गिड़गिड़ाओ, मांगो अल्लाह से, वो अल्लाह जरूर सुनेगा। फरमाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तहज्जुद के वक्त में हर दिन अल्लाह सदा लगाते हैं। अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है कि हर रात अल्लाह आखिरी पहर में आवाज लगाते हैं, कोई है मुझे पुकारने वाला, मैं उसकी पुकार को सुनूं, कोई है मुझसे माफी मांगने वाला, जिसकी माफी मैं दूं, कोई है मुझसे मांगने वाला, मैं उसको अता करूं। लेकिन ये वो वक्त होता है, डॉक्टर्स कहते हैं सबसे ज्यादा ख्वाबे खरगोश में इंसान सोता है। मैं तो तहज्जुद की बात कर रहा हूं, हम फजर की नमाज में ही नहीं आते, फजर की नमाज में हमारी मस्जिदें खाली हैं। अपनी पहचान अपने किरदार से बनाएं, अपने इस्लाम से बनाएं, और याद रखें कि तुम ही सर बुलंद रहोगे, तुम ही सर बुलंद रहोगे। बस चाहिए कि अपने आप को बदल कर देखो। मोहतरम सामीन, मैं बताना ये चाहता हूं कि जो आजमाइश है, जो हालात बने हुए हैं, ऐसे हालात में अगर आप देखें कि साबिकीन अवलीन में जो मिसालें हमें मिलती हैं, हमसे बढ़कर उन्हें आजमाइश मिली है। आप लिंचिंग की बात करते हो, हैते सुमैया रजी अल्लाह तआला का वाकया याद कर लो, सारी लिंचिंग भूल जाओगे। हैते सुमैया रजी अल्लाह तआला मक्का में मुसलमान होने वाली पहली औरतों में से एक औरत है। आप जानते हैं कि मक्का उस वक्त सारा, अब जो हरम मस्जिद नबवी मस्जिद हराम बना हुआ है, वही सारा मक्का था। सफा मरवा भी बाहर था, लेकिन अब हुदूद हरम यानी मस्जिद हराम के हुदूद में दाखिल हो चुका है। उस चिलचिलाती धूप में, 48-52-54 डिग्री धूप में, अबू जहल ने हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के दो पैर दो ऊंटनियों पर बांध दिया, दो पैर दो ऊंटनियों पे बांध दिया, एक को मशरिक की जानिब, दूसरे को मगरिब की जानिब,
और कहने लगा कह दो कि माबूद दो हैं, अल्लाह दो हैं, तुम्हें छोड़ दूंगा। औरत है बस ईमान पुख्ता है, ईमान पुख्ता है, यकीन है अल्लाह पर, मर जाऊंगी तो जन्नत चली जाऊंगी, सर पे कफन बांधा है, डर नहीं है किसी इंसान का, डर सिर्फ अल्लाह का है। अबू जहल ने कड़ी आजमाइश में चिलचिलाती धूप में पूछा कि सुमैया कह दो कि अल्लाह दो हैं, कह दो कि अल्लाह दो हैं, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। सुमैया रजी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा अल्लाहु अहद, अल्लाहु अहद, अल्लाहु अहद, अल्लाह एक ही है, माबूद बरहक एक ही है, अल्लाह एक ही है, अल्लाह का कोई साझेदार नहीं। ये बात मुशरिक को बर्दाश्त न हुई। अबू जहल ने नेजा उठाया और हते सुमैया रजी अल्लाह तआला अन्हा की शर्मगाह में मार दिया, जिससे उनके दो टुकड़ों में बट गई औरत। हमारी इस्लामी माँ और बहन दो टुकड़ों में बट गई, लेकिन उन्होंने शिर्क को गवारा नहीं किया। क्या आपकी आजमाइश उससे बढ़कर है? क्या आपकी आजमाइश उससे बढ़कर है? हज़रत खब्बाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को गुलाम बनाकर रखा गया, रोजाना तकलीफ दी जाती, हाथों में बेड़ियां, पैरों में बेड़ियां। जाहिल ने कहा कि एक बार कह दे ऐ खब्बाब रज़ी अल्लाह अन्हु अर्दा, एक बार कह दे कि मोहम्मद का कुफ्र मैं करता हूं, मोहम्मद की नबुवत पर मैं ईमान नहीं लाता, कुफ्र करता हूं, एक बार कह दे मैं तुझे छोड़ दूंगा, आजादी मिल जाएगी। आजादी के लिए सिर्फ एक जुमला कहना था कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करता हूं। सुनते हैं जवाब क्या था। जवाब यूं था एक मर्द मोमिन का, कहा उन्होंने अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, अगर अल्लाह तुझे अभी मार दे, दोबारा जिंदगी दे दे, फिर भी मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुफ्र नहीं करूंगा, कुफ्र नहीं करूंगा। और कहा अल्लाह की कसम मुझे गवारा भी नहीं है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक कांटा भी चुभ जाए। ये कैसा ईमान था, ये कैसा ईमान था। मोहतरम साथियों, अगर ईमान पुख्ता हो, भरोसा हो अल्लाह पर, हर आजमाइश आसान है, हर आजमाइश आसान है। फरमान है अल्लाह का अम हसिबतुम अन तुतरकू वलम्मा यअलम अल्लाह अल्लज़ीना जाहदू मिनकुम वयअलम अस्साबिरीन। क्या तुम समझते हो कि सिर्फ मुसलमान होने से काफी है? अल्लाह तुम में परखेगा नहीं कि तुम में कौन मुजाहिद है, कौन मोमिन है और कौन नाशुकरा है, कौन मुनाफिक है। परख होगी, आजमाइश आएगी, जरूर आजमाया जाएगा। सिर्फ मोमिन मोमिन कहने से मोमिन नहीं हो जाते। अगर इस तरह मोमिन हो जाते तो फिरौन सबसे बड़ा मोमिन कहलाता। क्यों? सूरह यूनुस की आयतें पढ़िए, जब डूबने लगा तो उसने कहा कि मैं तो ईमान लाया, मैं ईमान लाया। अल्लाह ने कहा अल आना, अल आना वक़द असैता मिन क़ब्ल व कुंत मिन अल मुफ़सिदीन। अब तुम कहते हो कि मोमिन हो गए, इससे पहले तो तुम नाफरमान थे। आमन्ना मोमिन मोमिन कहने से मोमिन नहीं होते जब तक कि अपनी जिंदगी में, अपने अमाल में, अपने किरदार में ईमान को रचा दो, बसा लो, बसा लो। दिल भी मोमिन, जबान भी मोमिन, किरदार भी मोमिन, अखलाक भी मोमिन, हर चीज मोमिन हो,